ऐसी ये दुनिया क्यों है। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। आप इसे जानते हैं? जी हाँ, ये मेरे हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय। What? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? मैं नहीं जानता बच्ची कहाँ है। मैं रुपए के लालच में ये सब किया था। इनकी और नवाब मिर्जा की बातें मैं छुप छुप के सुनता था, इसलिए मैं झूठ मूठ का किडनेपर बन गया ताकि जल्द से जल्द मालामाल बन जाऊं। बच्ची कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ कर दो साहब। देखिए, जो हुआ उसका हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन उस किडनैपर को ढूंढ निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे और फिर आपको आपकी बच्ची भी मिल जाएगी। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको किस पर शक है? हीना, तुम्हारा बयान तुम्हारी बच्ची को ढूंढ निकालने में बहुत मदद कर सकता है। देखिए, हम सबका बयान ले चुके हैं, लेकिन आपका बयान अहम है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी नजर में किडनैपर कौन हो सकता है। अकरम, अकरम? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनके शौहर थे और अब तलाक हो चुका है। जिस रात हीना की बच्ची किडनैप हुई थी उसी रात अकरम भी पागलखाने से भाग गया था, और उसके इस दलील हरकत में रूबी भी उसके साथ है। वो दोनों हमेशा एक थे, अब भी हैं। ये रूबी कहाँ मिल सकती है? पता नहीं, वो लापता है। ठीक है, हम अकरम को ढूंढ ही रहे हैं, रूबी का भी पता लगा लेंगे। ये आपका बयान है, इस पर साइन कर दीजिए। उन दोनों में से किसी का भी कोई सुराग मिले तो आप हमें इन्फॉर्म करना प्लीज। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। ओके, चलो बेटी अपने कमरों में चलो, अब तो अपने भी गैर हो गए। गैरों के साथ क्या बैठना। Thank you.
आप दोनों की वजह से आज मेरी सिर्फ एक बच्ची मेरे पास है, वो वार्ड बॉय मेरा कोई नहीं लगता अबू, लेकिन आप तो मेरे अबू हैं। आपने मुझसे अपनी बेटी से झूठ बोला कि मेरी बेटी मर चुकी है, और आप तो मेरे बड़े हमदर्द बने फिरते थे ना। किस दिल से आपने कह दिया कि मेरी बेटी मर चुकी है? कठोर हैं आप, पत्थर दिल हैं। बेटी तुम हमें गलत मत समझो। समझ चुकी मैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मेरी हालत सच्चाई को संभालने के लायक नहीं थी? आपने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचा, मेरी बेटी के बारे में नहीं, वरना उसे जीते जी मरा हुआ साबित नहीं करते। अगर उनकी तरफ से कोई भी गलती हुई है तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगना चाहूंगा। आपके हॉस्पिटल से मेरी बच्ची गायब हुई है, आपके वार्ड बॉय ने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। मुझसे माफी की उम्मीद मत रखिएगा, आप इसके काबिल नहीं हैं। साहब इजाजत हो तो मैं चलो। आमिर मियां, मैं हीना की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। ठीक ही तो कहा हीना ने, अस्पताल मेरा था, वार्ड बॉय उस अस्पताल का था, मैं अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, हीना ने तो सिर्फ मुझे मेरा आईना दिखाया। आओ समीर बेटे, हीना तो अब हमें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन तुम मेरा शुक्रिया तो कबूल कर सकते हो। मैं तुम्हारा ही नहीं बल्कि डॉक्टर आमिर का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तुम दोनों ने हमारी मदद की और हीना का साथ दिया, खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। अपनी दोस्ती निभाने के लिए मैंने हीना का साथ दिया, लेकिन तुम्हारे पास क्या वजह है उसका साथ देने की? बगैर वजह किसी की मदद करना, उसका साथ देना, इस जज्बात को क्या नाम देना चाहिए ये आप ही तय कर दीजिए। चलता को इंसानियत कहते हैं। हमें प्यार नहीं, नहीं, नहीं। वो हीना से प्यार क्यों करेगा? हीना नहीं समझती, कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। समझने की जरूरत तो आपको थी, मगर आपने तो मुझे पराया समझा। गम, मैं आपका गम बढ़ाना नहीं चाहता था। मियां बीवी गम बांटते हैं, आप ना समझ तो नहीं जो ये बात ना समझते हो? आप एक मां हैं, बाप का दिल नहीं आपके सीने में। गम, आप वो गम झेल नहीं सकती थी, और हीना को संभालना बहुत जरूरी था। अगर आप जज्बात बेकाबू हो जाती तो फिर हीना का क्या होता? बेगम देखिए, बेगम एक बाप के मुकाबले एक मां अपनी बेटी को ज्यादा समझ सकती है और संभाल सकती है। हीना को अंधेरे में रखने के लिए मैंने आपसे यह बात छुपा कर रखी। और कौन कौन सी बात छुपाई है आपने मुझसे?
वादा कीजिए आप आइंदा मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। वादा कीजिए। वादा करता हूं। या अल्लाह, इस घर को बचाने के लिए क्या क्या झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे। नींद ही नहीं आ रही, मेहंदी की तड़प मुझे सताए जा रही है। कहां होगी वो, किस हाल में होगी। हम देखते हैं बेटा, इतनी रात गए भी घंटी बजती रहती है फोन की। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कहिए इतनी रात को कैसे फोन किया। जी मुझे हीना से बात करनी थी। हाँ हाँ अभी लीजिए। बेटा हीना, डॉक्टर साहब का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो मैं बात नहीं कर सकती। आपको कह चुके हैं, अब क्या कहें। कह दो मैं सो रही हूँ। डॉक्टर साहब जी, क्या है ना कि हीना सो गई हैं, आप कहीं कुछ काम था तो। जी नहीं, मैंने बस उनकी और मैं की खैरियत जानने के लिए फोन किया। रखता हूँ, खुदा हाफिज़। तुम्हें डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए थी हीना, वो तुम्हारी और महक की खैरियत जानना चाहते थे। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो पहले तो जख्म देते हैं और फिर मरहम लगाने की बात करते हैं। उफ, तौबा अल्लाह की पनाह। भाई जैसा दिल चाहे वैसा करो, तुम्हारी मर्जी, हम तो जा रहे हैं। सो जाओ तुम भी अब। क्यों मेरा सुकून गारत करने पर तुले हुए हैं आप? आपकी वजह से मेरी बेटी छिन गई, क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? हीना, हीना मैं बोल रहा हूं। आप कौन? तुम्हारा सुकून गारत करने पर तुला हुआ है? कहीं वो डॉक्टर आमिर तो नहीं? हाँ हीना, तुम्हें अब कोई चोट पहुंचे, दर्द मुझे होता है। देखो मेरे होते हुए तुम खुश रहो, तुम्हारे सारे दर्द मैं संभालूंगा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं ना? चुप क्यों तुम? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए समीर। मैं भी यही चाहता हूं कि वो तुम्हें मिल जाए। इसी फिक्र में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, फिर सोचा तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा, इसीलिए तुम्हें फोन किए बिना मैं रह नहीं पाया। हमारी मेहंदी मेरा मतलब है तुम्हारी मेहंदी को ढूंढ निकालने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा ही ना। देखती रहो, आई प्रॉमिस। जरूर उसे अकरम ने लिया है। कैसे बाप है वो, अपनी ही बेटी को उसकी मां से छीन लिया। मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी समीर। देखो तुम्हें इस वक्त एक हमदर्द की जरूरत है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मिलोगी मुझसे? जी हाँ, खुदा हाफिज। सलाम वाले। वालेकुम सलाम। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए। वो कल रात को फोन किया था मैंने, लेकिन हीना शायद सो रही थी। मैंने सोचा कि अब अगर उठ गई हूं तो उनकी खैरियत पूछ लूं और महक को भी एक नजर देख लूं। जी क्यों नहीं, आप तशरीफ रखिए, मैं इतला कर देती हूँ। तशरीफ रखिए। हीना बेटा, वो डॉक्टर साहब आए हैं। किस लिए क्या मतलब, ये किस तरह का सवाल है हीना? तुम्हारी और महक की खैरियत पूछने के लिए आए, किस लिए आए?
फिर ले जाइए, दिखा दीजिए उन्हें। आप यहाँ? जी माफ कीजिएगा, मैं जानता था कि आप मेरे सामने नहीं आएंगे, इसलिए मैं चला आया। हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। शुक्रिया। मैंने कल रात को फोन किया था, लेकिन खैर हीना मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। मैंने सोचा कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो गया। आपकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया। बहुत फिक्र कर ली है आपने हमारी, बहुत तकलीफें उठाई हैं। अब इसकी नौबत नहीं आएगी। दवा के नाम पर दर्द देने वाले डॉक्टर से दूर रहना चाहती हूँ मैं। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया, फिर भी माफी चाहता हूं। अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। और मेरे दिल का क्या? अपनी बेटी के बगैर एक एक पल मैं कैसे गुजार रही हूं ये मेरा दिल ही जानता है। आपके उसी दिल से पूछिए, ये बेटी जो आपके पास है वो किसकी बदौलत है? ये याद दिलाने के लिए शुक्रिया। एक डॉक्टर का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। शायद आप अपनी फीस लेना भूल गए, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक बेटी के बदले दूसरी बेटी को भुला देना मुझे गवारा नहीं। बोलिए कितनी फीस हुई आपकी? हेलो, क्या हाल है मिर्जा साहब? तुम किस लिए फोन किया? तुम तो फोन नहीं करते हो। खुद मैं ही तुम्हारा हाल पूछ लूं? मैं फोन रख रहा हूँ। अरे नहीं, फोन मत रखना। अगर फोन रख दोगे तो कैसे जानोगे कौन सी आफत आने वाली है? मैं अपने खाविंग की तस्वीर तुम्हारी बेगम को दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं वहां एक एनवेलप छोड़ाई हूँ। लगता है अभी तक वो एनवेलप किसी ने देखा नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम खोल कर देख लो, शायद कुछ याद ताजा हो जाए। अबू आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। ये आपका एनवेलप गिर गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.